चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जी को लगती है तेरी बात खरी है शायद, वही शमशेर मुजफ्फरनगरी है शायद। वाम 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 दिशा समय साम्यवादी, और वो आगे कहते किंतु उधर पथ प्रदर्शिका मसाल, कमकर की मुट्ठी में किंतु उधर, आगे आगे जलती चलती है लाल लाल। मार्क्सवादी आदर्शों से प्रभावित, मार्क्सवादी आदर्श धारा में मानवीयता के अंश तथा उसमें निहित मूल्यों की तलाश को शमशेर ने अपनी कविता में अपनाया है। स्कूल नहीं, शिक्षा नहीं, अस्पताल है कहीं कहीं, आपस में सिर फुटवा लो, बच्चे रो में रोटी को। छायावादी था कभी, प्रगतिवादी था, आधुनिक हिंदी कविता में नाम कमाया रे शमशेर बहादुर ने, लम दुनिया में जड़ाया रे। कवि छायावादी था कवि प्रगतिवादी था, कवि छायावादी था कवि प्रगतिवादी था। हा जनवरी तेरे है प्यारा, हा प्यारा वो सन था सन 1911, चम क्या था बन दुर तारा, हा तारा भला किसे पता था वो कवि बनेगा न्यारा, भला किसे पता था वो कवि बनेगा न्यारा। तारीफ सिंह और प्रभु देई के घर वो जाया रे शमशेर को, लगती है तेरी बात खरी है शायद, वही शमशेर मुजफ्फरनगरी है शायद। ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहाँ हम लोग हैं यहाँ, ये वही मंच है मुजफ्फरनगर का मंच। उस समय शामली मुजफ्फरनगर ही हुआ करता था। जो धर्मों के अखाड़े हैं उन्हें लड़वा दिया जाए, जरूरत क्या है हिंदुस्तान पर हमला किया जाए। जो धर्मों के अखाड़े हैं उन्हें लड़वा दिया जाए, जरूरत क्या है हिंदुस्तान पर हमला किया जाए। मुझे मालूम था, कितने दूरदर्शी थे वो, कि मुझे मालूम था पहले ही ये दिन गुल खिलाएंगे, ये दंगे और धर्मों तक भी आके फैल जाएंगे। और इस गांव से अलग देश के तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में शमशेर जी पर सैकड़ों रिसर्च हो चुकी हैं, बहुत सारे उनके कविताओं पर काम हुए हैं, बहुत तरह के लेख लिखे गए हैं, PhD हुई है, रिसर्च हुए हैं, विदेशों में भी शमशेर जी की कविता की चर्चा होती है। लेकिन जिस इलाके से वो हैं, जहाँ से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वहाँ उनके कविताओं के बारे में बात करना और शमशेर जी क्या थे, शमशेर जी का क्या महत्व है, इस बात को इस उनके लोगों के बीच जाकर बताना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। शमशेर का जो रचना संसार है, शमशेर की जो कविताएं हैं, उसमें केवल वे और उनके दोस्त ही नहीं हैं, या केवल शमशेर और उनकी साहित्यिक मंडली नहीं है, बल्कि उसमें पूरी दुनिया की मेहनतकश जनता है, उसमें पूरी दुनिया का मेहनतकश आवाम है। उनकी पीड़ाएं, उनके दुख दर्द, उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं, सभी कुछ। वाम 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 दिशा समय साम्यवादी, और वो आगे कहते हैं किंतु उधर पथ प्रदर्शिका मसाल, कमकर की मुट्ठी में किंतु उधर, आगे आगे जलती चलती है लाल लाल। वो जो है इससे ठीक पहले पैरा में जो आज का दौर है, आज का वक्त है, वो उसकी आलोचना करते हैं। आखिरी लाइन कहते हैं मध्य वर्ग का समाज दीन, मध्य वर्ग का समाज हीन, और उसके बाद कहते हैं कि आगे का रास्ता जो है वो इस तरफ है। ये भी मुझे जो है उनकी कविताओं की एक मतलब खासियत लगती है, और इसमें जो है एक शमशेरियत का अंदाज दिखाई देता है। मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन। शमशेर ने जिस
समय साहित्यिक जगत में प्रवेश किया तब हिंदी कविता संक्रमण के दौर से गुजर रही थी। कविता छायावाद की कल्पनाओं को छोड़कर मानव जीवन की वास्तविकताओं से टकराती हुई प्रगतिशील चेतना की ओर बढ़ रही थी। इस प्रकार शमशेर ने अपनी जगह प्रगतिशील और नई कविता के संधि बिंदु पर चुनी। शमशेर के लिए सौंदर्य एक यथार्थ है और यथार्थ वह सब कुछ है जो मनुष्य के जीवन में घटित होता है। स्वप्न, प्रेम, संघर्ष, आंदोलन, क्रांति, ये सभी यथार्थ हैं। मार्क्सवादी आदर्शों से प्रभावित मार्क्सवादी आदर्श धारा में मानवीयता के अंश तथा उसमें निहित मूल्यों की तलाश को शमशेर ने अपनी कविता में अपनाया है। यही एक ऐसा कवि है जिसको पढ़ने के बाद ये लगा कि कविता पढ़ना एक अलग तरह की चीज है, एक अलग तरह का काम है। उसके बाद अगर आप शमशेर की कविता जैसे सावन अगर आप पढ़ें, उसके बाद आपको सावन पहले जैसा नहीं लगेगा, उसके बाद आपको बादल पहले जैसा नहीं लगेगा, बादल बदल जाएगा, सारस बदल जाएगा, चिड़िया बदल जाएगी। वही चीज़ जो रोज़ देखते थे वो अलग तरह की दिखने लगेगी। खेतों से सरहद तक केवल मौत नाचती है, राजा जस राजा ना होए राजा का मन है, दरबारी सब चैन से सोए राजा का मन है, डूब गई खूनी नालों में साबरमती नदी, डूब गई खूनी नालों में साबरमती नदी, आस्तीन गंगा में धोए राजा का मन है, आस्तीन गंगा में धोए राजा का मन है। चक्कू छुरियां तेज करा लो, बच्चे रोवे रोटी को, देशभक्ति का गाना गालो, बच्चे रोवे रोटी को, देशभक्ति का गाना गालो, बच्चे रोवे रोटी को, हम ही समय, हम ही महान, हम ही विश्वगुरु, ऊंचा सा झंडा लहरा लो, बच्चे रोवे रोटी को। स्कूल नहीं, शिक्षा नहीं, अस्पताल है कहीं कहीं, आपस में सिर फुटवा लो, बच्चे रोवे रोटी को। ना हम जाने हिंदू शास्त्र, ना हम जाने लव जिहाद, फसल के वाजिब दाम दिला दो, बच्चे रोवे रोटी को। मुझे लगता है जो आज अक्सर आज जो शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में बार बार एक जो बात बोली गई थी कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यादगार कलाकार वो होते हैं जिनकी कला कहीं ना कहीं समाज के लिए एक आईना होती है, जिनकी कला कहीं ना कहीं समाज और आज के परिस्थितियों को लेकर सिर्फ आईना ही नहीं लेकिन नए सवाल भी रखती है समाज के सामने, और सवाल से उठे हुए बहुत सारी बारीकियों को अपनी कला में वो जोड़ पाते हैं। गढ़ता है दर्द विवस्था का, जिनके घर में घुस बैठा है अंधाराक्षस परवस्था का, जो दुनिया भर का बोझ उठाए रंजोगम से लड़ते